नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और न्यूज 10 लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। अगले एक घंटे में हम जानेंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी और छोटी खबरें, साथ ही बात होगी आज के त्योहार यानी धनतेरस की भी। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद रोजगार मेले के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 51,000 से ज्यादा नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र करेंगे वितरित। आयुर्वेद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। केरल के कासरगोड में आतिशबाजी के दौरान बड़ा हादसा, 160 जख्मी, 8 की हालत गंभीर। महाराष्ट्र में नामांकन का आज आखिरी दिन, झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए भी नामांकन की आज अंतिम तारीख। और धनतेरस के साथ ही आज से दीपावली महापर्व की हुई शुरुआत, बाजारों में छाई रौनक, लोग जमकर कर रहे हैं खरीदारी। तो ये थी प्रमुख सुर्खियां और अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 51,000 से ज्यादा चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री रोजगार मेले को संबोधित भी करेंगे। रोजगार मेला रोजगार सृजन को प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये युवाओं को राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए सार्थक अवसर प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाएगा। देश भर में 40 स्थानों पर रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा, जिनमें नए कर्मचारी केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में शामिल होंगे। नई भर्तियों को IGOT कर्मयोगी पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन मॉड्यूल कर्मयोगी प्रारंभ के माध्यम से आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर भी मिलेगा। IGOT कर्मयोगी पोर्टल पर 1,400 से ज्यादा ई लर्निंग पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं, जो नई भर्तियों को अपनी भूमिका प्रभावी ढंग से निभाने और विकसित भारत के निर्माण की दिशा में काम करने के लिए आवश्यक कौशल से लैस करेंगे। और धन्वंतरी जयंती और नवे आयुर्वेद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में लगभग 12,850 करोड़ रुपए की लागत वाली स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। आइए आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अक्टूबर को धन्वंतरी जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी 12,850 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत PMJAY के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य कवरेज के विस्तार का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री भारत के पहले अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के दूसरे चरण का भी उद्घाटन करेंगे। 29 तारीख को हमारे ये जो हमारा आयुर्वेद संस्थान है, यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी खुद पधार रहे हैं और उनके कर कमलों द्वारा यहाँ का जो हमारा Phase 2 उसका भी इनॉग्रेशन माननीय प्रधानमंत्री करने वाले हैं। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के अभिनव उपयोग को बढ़ावा देते हुए 11 तृतीयक स्वास्थ्य संस्थानों में ड्रोन सेवाओं का शुभारंभ प्रधानमंत्री करेंगे और स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए डिजिटल पहलों को बढ़ावा देने के लिए YouWin पोर्टल का आगाज करेंगे। इस ऐप के माध्यम से गर्भवती महिलाओं और बच्चों को समय पर 12 वैक्सीन निवारणीय बीमारियों के खिलाफ जीवन रक्षक टीके लगाए जाएंगे। भारत में यूनिसेफ प्रतिनिधि सिंथिया मैककेफरी और UNDP इंडिया में रेजिडेंट प्रतिनिधि डॉक्टर एंजेला लुसगी ने केंद्र सरकार की इस पहल की तारीफ की है। वहीं पूर्व स्वास्थ्य सचिव ने भी कहा है कि YouWin पोर्टल से गर्भवती महिलाओं के पास शिशुओं की टीकाकरण की जानकारी मोबाइल पर SMS सेवा के जरिए उपलब्ध होगी। नया IT पोर्टल है YouWin, इसमें SMS भेजने की भी व्यवस्था है। ये SMS माताओं के मोबाइल नंबर पर आएंगे कि अब आपके बच्चों का फलाने टीके का
समय हो गया है। दूसरी व्यवस्था ये है कि कुल जो कोहोर्ट है यानी लाभान्वितों का समूह है, उसका किसी भी समय आप पोर्टल पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं, देख सकते हैं। इंडिया कंटिन्यूइंग टू बिल्ड ऑन इट्स लीडरशिप एंड इट्स इन्वेस्टमेंट इन चिल्ड्रन। यूएन फर्स्ट इज एडवांसिंग विद एक्विटी इंडियाज चिल्ड्रंस राइट्स बाय क्रिएटिंग अ पोर्टल दैट रीचेस देम एज यू सेड with universal immunization. UN empowers communities by enabling families to schedule immunizations on their time frame. The UN platform is a digital registry, and it's very useful because it's an electronic register for every new mother and newborn child, which helps track their immunization from birth. Now, it's very unique because every new mother and child gets a unique identifier, which means that if they move from one part of the country to the other for work, for instance, they're still able to access immunization from any healthcare facility. Pradhanmantri Make in India ke vision ke anurup chikitsa upkaranon aur thok dawaon ke liye PLI yojana ke tahat 5 pariyojanaon ka udghatan karenge. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास तथा परीक्षण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई पहलों का भी शुभारंभ करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और साथ ही आपको बता दें कि आयुर्वेद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने इस पोस्ट में लिखा कि समस्त देशवासियों को आयुर्वेद दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान धन्वंतरी की जन्म जयंती का ये पावन अवसर हमारी महान संस्कृति में आयुर्वेद की उपयोगिता और उसके योगदान से जुड़ा है, जिसके महत्व को आज पूरी दुनिया मान रही है। मुझे विश्वास है कि चिकित्सा की ये प्राचीन पद्धति पूरी मानवता के आरोग्यपूर्ण जीवन के लिए निरंतर काम आती रहेगी। और इसी बीच न्यूज एट 10 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना, असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर सवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ऋषिकेश स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू करने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा वर्चुअल माध्यम से आज हेली एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित रहेंगे। वहीं आपको बता दें कि हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू होने से बिना समय गंवाए मरीज की जान बचाई जा सकेगी। हेलो एम्बुलेंस में वेंटिलेटर सहित सभी आवश्यक जीवन रक्षक उपकरण उपलब्ध रहेंगे। इसमें चिकित्सक सहित आवश्यक मेडिकल स्टाफ भी तैनात रहेगा। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात अब करेंगे केरल की, जहां कासरगोड में एक मंदिर में कलियाट्टम थैयम महोत्सव के दौरान आतिशबाजी दुर्घटना में करीब 160 लोग घायल हो गए हैं। इनमें से करीब 100 लोग विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराए गए हैं, जहां 8 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ये घटना देर रात करीब 12:30 बजे हुई है, जब महोत्सव के लिए रखे गए पटाखों में पास में ही चिंगारी में से आग लग गई। ज़्यादातर लोग इसलिए घायल हुए क्योंकि भीड़ ने घटना स्थल से भागने की कोशिश की। दुर्घटना की वास्तविक स्थिति का फिलहाल अभी पता नहीं चल सका है। वहीं बचाव कार्य में समन्वय के लिए कासरगोड के जिला कलेक्टर और पुलिस प्रमुख वहां मौके पर मौजूद हैं। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस दौरान की जब ये हादसा हुआ है, क्योंकि जब वहां पर पटाखों का जो एक स्टोर बनाया गया था वहां पर जब ये आग लगी तो लोग वहां पर खड़े हो गए, इकट्ठा हो गए और अपने मोबाइल के ज़रिए वीडियो बनाते हुए नज़र आए। और इसी दौरान वहां पर ज़ोरदार धमाका हुआ और धमाके के बाद ही लोग वहां से भागने लगे। अफरा तफरी का माहौल वहां पर बन गया, जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई और 160 से ज्यादा लोग घायल हो गए। नंबर ऑफ इंजर्ड पीपल आर ओनली 154,
police was not cautious about this this festival. They were entered the temple and they were make an inquiry regarding this exploitation. और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए न्यूज़ 10 में अब बात करेंगे बिहार की, जहां बिहार की राजधानी पटना में सोमवार देर रात मेट्रो निर्माण कार्य के दौरान बड़ा हादसा हो गया। मेट्रो टनल में लोको मशीन का ब्रेक फेल होने के कारण कई मजदूर उसकी चपेट में आ गए। इस घटना में 3 मजदूर की दर्दनाक मौत भी हो गई है। अभी तक फिलहाल मिली जानकारी के अनुसार आधा दर्जन मजदूर घायल हैं और इनमें से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों का इलाज पटना के PMCH हॉस्पिटल में चल रहा है। ये घटना राजधानी पटना के NIT मोड़ के पास हुई है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि लोको मशीन के द्वारा सामान टनल के अंदर पहुंचाया जा रहा था और इसी दौरान इसका ब्रेक फेल हो गया। टनल के अंदर काफ़ी संख्या में मजदूर काम कर रहे थे। रात में यही घटना हुई है कि टनल में कुछ मशीन में खराबी आने के कारण जो है सो 2 व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है और 6 लोग इंजर्ड हैं जिनका इलाज चल रहा है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए पर्चे भरने का आज अंतिम दिन है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की उपस्थिति में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर आज अपना नामांकन भरने के लिए जाएंगे। इसके साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले भंडारा जिले की साकोली सीट से नामांकन भरेंगे। मध्य नागपुर से प्रवीण दटके, उत्तर से मिलिंद माने, पश्चिम से सुधाकर कोहले सहित अन्य नेता आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार ने कल अपने पर्चे भरे थे। राज्य के वन मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता सुधीर और महाराष्ट्र नव निर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के पुत्र अमित ठाकरे सहित कई दिग्गजों ने भी कल अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। राज्यों में पर्चों की जांच कल की जाएगी। 4 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। राज्य की सभी 288 सीटों के लिए 20 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होगा, जिसके बाद मतगणना 23 नवंबर को होगी। और वहीं झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण के लिए नामांकन आज अंतिम दिन है नामांकन का, जहां आपको बता दें कि बीते कल की अगर हम बात करें तो 254 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया था। आपको बता दें कि दूसरे चरण में 20 नवंबर को 38 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा और इसके लिए अब तक 632 प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल भी कर चुके हैं। पर्चों की जाँच कल की जाएगी और उम्मीदवार 1 नवंबर तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। इस बीच चुनाव के सिलसिले में राज्य में तलाशी अभियान के दौरान अवैध सामग्री और 86,32,00,000 रुपए की नकदी भी बरामद की गई है। आचार संहिता के उल्लंघन के 20 मामलों में प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोर पकड़ रहा है और इस चुनाव में राजनीतिक दल एक दूसरे पर तीखे प्रहार कर रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी राज्य में NRC लागू करने की बात कर रही है, तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो का कहना है कि राज्य में बांग्लादेश घुसपैठ का कोई मुद्दा नहीं है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। झारखंड विधानसभा चुनाव में छाया बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा। घुसपैठ और NRC पर BJP मुखर। झारखंड की बदलती डेमोग्राफी और बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर भाजपा आक्रामक। भाजपा ने कहा सत्ता में आए तो झारखंड में लागू होगा NRC। कांग्रेस ने घुसपैठ के आरोपों को बताया बेबुनियाद। जैसे जैसे झारखंड विधानसभा चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, राज्य की राजनीति के केंद्र में बांग्लादेशी घुसपैठ और NRC का मुद्दा छाया हुआ है। BJP ने बांग्लादेशी घुसपैठ और NRC को न केवल प्रमुख चुनावी एजेंडा बनाया है, बल्कि संकल्प पत्र में भी इसे समाहित करने का निर्णय लिया है। झारखंड में भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्व शर्मा ने कहा है कि चुनाव के बाद उनकी सरकार संथाल परगना में NRC लागू करेगी और घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा। देखिए, काल भी आपने देखा है झारखंड सरकार का अंदरूनी पत्र, जहां में यह लिखा गया है कि घुसपैठी आते हैं, मद्रासा में उनका ट्रेनिंग होता है, आधार कार्ड बना दिया जाते हैं,
तमाम बातें अभी सामने आ रहा है। हमारा यही मानना है कि ये चुनाव का बाद बीजेपी सरकार बनेगा और हम लोग संथाल परगना में एनआरसी भी बनाऊंगा और घुसपैठी को बाहर भी करूंगा। झारखंड में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ को कोई मुद्दा ही नहीं मान रहे हैं। ये सब बेबुनियाद आरोप है और इसको तो जवाबदेही अपने लेनी चाहिए होम डिपार्टमेंट को, जिन पर सीमा सुरक्षा की जिम्मेवारी है। और यदि उस तरह की बात है तो वह जांच एजेंसी भी उनके पास है, वो जांच करके निकाले कितने बांग्लादेशी लोग यहाँ घुसपैठी किया। वहीं गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को शरण देने और वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया है। हम जो बातें कह रहे थे कि 9% मुस्लिम आबादी थी 1951 में, आज वो 24% हो गई। पूरे देश में से मुस्लिम जो है 4% बढ़ा, हमारे संथाल परिणाम में वो 15% बढ़ा। ये 11% बांग्लादेशी घुसपैठिया है, ये झारखंड की सरकार खुद इसको मान रही है। गौरतलब है कि राज्य में सभी 81 सीटों के लिए दो चरणों में मतदान होने हैं। पहले चरण में 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होगा। झारखंड चुनाव में दोनों प्रमुख गठबंधन ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करने के लिए लोगों को अपने पक्ष में करने में जुटे हुए हैं। झारखंड में इसमें विधानसभा चुनाव का शोर चारों ओर है और भाजपा की ओर से बांग्लादेश घुसपैठ का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया जा रहा है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो का कहना है कि राज्य में कोई भी बांग्लादेश घुसपैठ नहीं हुआ है। हालांकि इस बयान के बाद झारखंड की राजनीति में घमासान मचा हुआ है। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, रांची, झारखंड। हमारे साथ बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर सवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। इसी बीच सीधा रुक करेंगे सबकी बड़ी खबर का, जहां आपको बता दें कि रांची में शराब घोटाले से जुड़े मामले में ईडी की छापेमारी अभी जारी है, जहां आईएएस अधिकारी विनय चौबे के ठिकानों पर ये छापेमारी की जा रही है। उत्पाद विभाग के संयुक्त सचिव गजेंद्र सिंह और उनके रिश्तेदारों पर भी ये कार्रवाई की जा रही है। संबंधित अधिकारियों के सीए के ठिकानों पर भी छापेमारी इस वक्त चल रही है। तो ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे, जहां झारखंड शराब घोटाले से जुड़ी सबकी बड़ी खबर। विधानसभा चुनाव के दौरान ईडी की तरफ से ये छापेमारी की जा रही है। आईएएस अधिकारी समेत कई लोगों के ठिकानों पर रेड ईडी की टीम कर रही है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां ईडी की तरफ से ये बड़ा एक्शन इस वक्त लिया गया है। रांची में शराब घोटाले से जुड़े मामले में ईडी की तरफ से ये छापेमारी इस वक्त की जा रही है। और इसी पर ताजा अपडेट हम ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी दिवाकर कुमार इस वक्त जुड़ रहे हैं रांची से फोन लाइन पर। दिवाकर, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में, कितने ठिकानों पर ये रेड इस वक्त की जा रही है ईडी की तरफ से? देखिए, ईडी की तरफ से ये एक रेड है जो शराब घोटाला जो कहा जा रहा है उसके सिलसिले में ये छापेमारी हुई है जी। उसमें एक आईएएस है अधिकारी विनय चौबे और उत्पाद विभाग के संयुक्त सचिव गजेंद्र सिंह और उनके कई रिश्तेदारों के ठिकानों पर ये छापेमारी चल रही है। एग्जैक्ट आंकड़ा अभी तक निकलकर सामने नहीं आया है, लेकिन हो सकता है आधा दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर ये छापेमारी है। और ये कार्रवाई कहा जा रहा है कि शराब घोटाले मामले में की गई है। आपको याद होगा कि छत्तीसगढ़ में जो पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा है उसने मामला दर्ज किया था कि कैसे उत्पाद विभाग के जो वहाँ के अधिकारी थे वहाँ पे भी शराब घोटाले की जाँच चल रही है। तो उसी मामले में कहा जा रहा है कि जो छत्तीसगढ़ में शराब की जो नीति बनाई गई थी उसी नीति को झारखंड में भी इंप्लीमेंट किया गया था और उसको इंप्लीमेंट करने में कुछ ब्यूरोक्रेट्स पर आरोप लगे थे और उन पर शिकायत भी दर्ज की गई थी। उसी मामले में जब ये मामला हुआ कि राजस्व की हानि हुई है झारखंड सरकार को और अधिकारियों ने अपना फायदा उठाया है, उसके बाद एक कंप्लेन बकायदा रजिस्टर्ड किया गया था और इस मामले की जाँच लगातार चल रही थी। एसीबी की ओर से जो है छत्तीसगढ़ की एसीबी की टीम इसकी जांच कर रही थी। उसी कड़ी में हम कह सकते हैं कि ईडी के पास भी शिकायत पहुंची थी और उसके बाद ये कार्रवाई आज हो रही है। जी दिवाकर, अगर देखा जाए तो राज्य में इस वक्त झारखंड विधानसभा चुनावों के लिए तैयारियां इस वक्त चल रही है, दो चरण में मतदान होना है अगले महीने, और ऐसे में ईडी की तरफ से जो ये बड़ा एक्शन लिया गया है, क्या मायने है इसके? साथ ही टोटल कितने ठिकाने हैं जहां पर ये छापेमारी हो रही है? आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या अभी तक क्या कुछ बरामद किया गया है, इसको लेकर कुछ अपडेट मिल पाया है? दिवाकर,
नहीं, अभी तक बरामदगी की कोई खबर नहीं, क्योंकि अहले सुबह से ही छापेमारी चल रही है अभी थोड़ी सी, लेकिन करीब मुझे जो जानकारी मिल रही है कि करीब आधे दर्जन से अधिक ठिकानों पर यह छापेमारी है जी। जो उस समय उत्पाद विभाग के सचिव थे और अभी प्रधान सचिव के रैंक के अधिकारी है, उस समय के उत्पाद विभाग के तत्कालीन सचिव विनय कुमार चौबे है, संयुक्त सचिव गजेंद्र सिंह, इनके खिलाफ एक प्राथमिकी भी दर्ज है पहले से ऑलरेडी, तो उन्हीं के दो ठिकानों पर छापेमारी चल रही है और कहा जा रहा है कि इन दोनों के कई रिश्तेदार भी हैं, उनके भी ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है और ये आशंका व्यक्त की जा रही है, जो कंप्लेन एक विकास कुमार नाम के एक व्यक्ति ने रांची में एक कंप्लेन दर्ज कराया था कि भाई बहुत बड़े पैमाने पर झारखंड में शराब घोटाला हुआ है और राजस्व की क्षति सरकार की हुई है, उसके बाद इस मामले में संज्ञान लिया गया और आज जो ईडी की कार्रवाई है तो अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल दर्जनों मतलब कह सकते हैं कि कई मतलब कई कई जगहों पर तो मुझे दिख रही है कि छह छह सात सात गाड़ियां हैं, तो लंबी टीम आई है ईडी की और बकायदा सुबह से ही जो है वो कागजातों को खंगाला जा रहा है, घरों को खंगाला जा रहा है और अब थोड़ी देर में अगर कुछ जानकारी मिलती है तो मैं जरूर अपडेट करूंगा कि किस तरीके से इस छापेमारी में क्या कुछ निकल कर सामने आया है। मैं ईडी के अधिकारियों से भी मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कहीं कोई जानकारी है तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन फिलहाल इस जो ये छापेमारी है इसके बाद अब राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है और जो हम कह सकते हैं कि ये मामला आने वाले दिनों में गरमाएगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव बहुत ही नजदीक है, झारखंड में दो चरणों में चुनाव हो रहे हैं और पहली वोटिंग 13 तारीख को है और उसके लिए अब जो चुनावी सरगर्मी है, चूंकि दीपावली का मौसम है, आज धनतेरस भी है, तो इस लिहाज से थोड़ी सी कम गहमागहमी है, लेकिन आने वाले दिनों में अब जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो भी शुरू होगा, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले कई जगहों पर यहाँ पर इनकम टैक्स की भी रेड हुई थी और उसके बाद अब आज की ईडी की कार्रवाई के बाद निश्चित तौर पर जो झारखंड में जो भ्रष्टाचार का दाग हमेशा से लग रहा है उसकी कई परतें पहले भी खुली है और आज की छापेमारी के बाद कुछ कहा जा सकता है जो निकल कर सामने आएगी कि क्या कुछ किया गया है उत्पाद नीति में बदलाव करके, कितने राजस्व की हानि हुई है और इस तरह की चीजें निकल कर सामने आएगी। जी चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, आगे भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे इस खबर को लेकर। और इसी के साथ चलिए न्यूज एट 10 में अब आगे बढ़ते हैं और अन्य खबरों का भी रुख कर लेते हैं, जहां देश हर साल सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस से पहले आज केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह सुबह मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से एकता दौड़ को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की दृढ़ निर्णय शक्ति को रेखांकित भी किया है। आजादी के बाद 553 से ज्यादा राजे रजवाड़ों को एकत्रित करने का एक बहुत बड़ी समस्या देश के सामने अचानक ही आकर पड़ी। उस वक्त सरदार साहब ही थे जिन्होंने अपनी दृढ़ निर्णय शक्ति से, दृढ़ इच्छा शक्ति से और त्वरा से इस सबको एकत्रित कर आज के भारतीय संघ का मानचित्र हम सब ने लाया और ये सरदार पटेल ही थे जिनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज देश एक होकर दुनिया के सामने मजबूती के साथ खड़ा है। तो 31 अक्टूबर को पूरे देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाएगी और इससे पहले देश भर में एकता दौड़ यानी कि रन फॉर यूनिटी का भी आयोजन किया गया। राजस्थान की राजधानी जयपुर में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और वही बात अगर उत्तराखंड की करें तो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में ओपन रन फॉर यूनिटी मैराथन को हरी झंडी दिखाकर उसमें हिस्सा भी लिया। और वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी रन फॉर यूनिटी मैराथन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस मैराथन को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही श्रीनगर में आयोजित रन फॉर यूनिटी मैराथन को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हरी झंडी दिखाई। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भुवनेश्वर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती से पहले आयोजित रन फॉर यूनिटी को झंडी दिखाई और उसमें हिस्सा भी लिया।
तो पूरे देश भर में रन फॉर यूनिटी का ये आयोजन किया जा रहा है और अलग अलग राज्यों से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं असम की राजधानी गुवाहाटी में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई और वहाँ की ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो पूरे देश भर में रन फॉर यूनिटी मैराथन का आज आयोजन किया गया है, जहां गुजरात की अगर बात करें तो वहां पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद में रन फॉर यूनिटी मैराथन को हरी झंडी दिखाई। तो गुजरात की ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और न्यूज 10 में खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी, लेकिन इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही इस अवसर पर उन्होंने सभी को देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा की शपथ भी दिलाई। राष्ट्रीय एकता दिवस का महत्व और भी बढ़ जाता है जब पूरा देश लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के कार्यक्रम में प्रवेश कर रहा है। 31 अक्टूबर 2024 से 31 अक्टूबर 2025 तक वर्ष भर लोह पुरुष के 150वें जन्म दिवस के कार्यक्रम पूरे देश के अंदर भी, पूरे प्रदेश के अंदर भी अलग अलग रूप में आयोजित होंगे। वहीं जम्मू के अखनूर सेक्टर में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में भारतीय सेना का जांबाज डॉग फैंटम शहीद हो गया। भारतीय सेना ने अपने सोशल मीडिया हैंडल व्हाइट नाइट कॉप्स पर फैंटम की दो तस्वीरें साझा करते हुए अपने इस सच्चे हीरो के सर्वोच्च बलिदान को सलाम किया है। इस पोस्ट में लिखा गया है कि उसके साहस, निष्ठा और समर्पण को कभी नहीं भुलाया जाएगा। जब सेना के जवान फंसे हुए आतंकवादियों की ओर बढ़ रहे थे तो फैंटम ने दुश्मन की गोलीबारी को झेला। इस दौरान गंभीर रूप से घायल फैंटम ने बाद में दम तोड़ दिया। फैंटम का जन्म 25 मई 2020 को हुआ था। बेल्जियम मालिनो इस ब्रीड के फैंटम को मेरठ के आरवीसी सेंटर से इशू किया गया और विशेष रूप से असॉल्ट डॉग के रूप में ट्रेंड किया गया। फैंटम की 12 अगस्त 2022 को अखनूर सेक्टर में पोस्टिंग हुई थी। राजस्थान सरकार ने गायों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। जी हां, अब से राज्य में गायों को आवारा नहीं बल्कि बेसहारा या असहाय कहा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गायों को राज्य माता का दर्जा देने की मांग के बीच गोवंश के लिए इस्तेमाल किए गए वाले आवारा शब्द पर आपत्ति जताई है। राजस्थान में गाय को आवारा कहने पर रोक, गोवंश के लिए आवारा की जगह बेसहारा या असहाय शब्दों का इस्तेमाल होगा। राजस्थान सरकार ने कहा, गाय हमारी सांस्कृतिक विरासत का अहम हिस्सा, गौवंश के लिए आवारा शब्द पूरी तरह से अपमानजनक और अनुचित। राजस्थान में गौवंश के लिए आवारा जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अब राज्य सरकार ने एक आदेश जारी करके इस तरह के अपमानजनक शब्दों के बजाय निराश्रित या बेसहारा जैसे शब्दों के इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। राजस्थान में गौवंश को लेकर भजनलाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब सरकार ने गाय को आवारा कहने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बजाय गाय को निराश्रित या बेसहारा जैसे शब्द का उपयोग करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही सभी सरकारी आदेशों, दिशा निर्देशों या सूचना पत्र और रिपोर्ट में आवारा शब्द की जगह गौवंश शब्द का उपयोग करने का आदेश जारी किया गया है। राजस्थान सरकार के गोपालन विभाग के मंत्री जोराराम कुमावत का कहना है कि गाय हमारी सांस्कृतिक विरासत का अहम हिस्सा है। इन दिनों विभिन्न कारणों से गौवंश
बेसहारा और असहाय हो जाती हैं, लेकिन गौवंश के लिए आवारा शब्द का प्रयोग किया जाता है जो पूरी तरह अपमानजनक और अनुचित है। जिसको हमने माता माना है और जिनका आशीर्वाद हम सबको मिलता है और जो हमारे जीवन में ही पूरी तरह से उपयोगी है गौ माता, उनके लिए आवारा शब्द लिखना ही एक पाप है। एक आदेश विभाग से निकाला है कि अभी किसी भी सरकारी ऑफिस में आवारा शब्द गोवंश के लिए आवारा शब्द नहीं लिखे। ये फैसला राजस्थान में गायों के संरक्षण और उनके प्रति सम्मान बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस फैसले का स्वागत करते हुए पशुपालक, गौशाला संचालक और आम गौ सेवक भी खुशी जताते नजर आए हैं। लोग इस बात से सहमत हैं कि गायों के लिए आवारा शब्द का इस्तेमाल सही नहीं है। लोगों का कहना है कि हमारी संस्कृति में गाय को माता माना गया है, फिर आवारा शब्द का इस्तेमाल बिल्कुल भी सही नहीं है। जो सरकार ने जो निर्णय लिया और मंत्री महोदय जो ये बात बताई है कि वास्तव में गौ माता को आवारा नहीं कहना चाहिए। बता दें कि लंबे समय से नगर निगम और नगर परिषदों में गायों को लेकर आवारा शब्द का प्रयोग किया जा रहा था, जिसके लिए अब गोपालन विभाग ने गाइडलाइन जारी की है। ऐसे में भविष्य में आवारा गायों के स्थान पर बेसहारा या असहाय गाय शब्द का प्रयोग किया जाएगा। सरकार ने ये निर्णय लेकर के गायों के संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जाहिर किया है। कैमरा पर्सन केदार प्रसाद शर्मा के साथ महेश दाधिच, डीडी न्यूज। और वहीं दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए राम मनोहर लोहिया अस्पताल एक विशेष प्रदूषण जनित रोग क्लिनिक की शुरुआत की गई है। ये क्लिनिक हर सोमवार को संचालित किया जा रहा है और इस क्लिनिक में सांस, त्वचा, आंख और ENT रोगों के अलावा मानसिक रोगों के इलाज की भी सुविधा उपलब्ध है। आइए आपको दिखाते हैं।